बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। कल हमने टॉपिक्स जो पढ़े थे वो अपना कश्मीर इशू पढ़ा था, आर्टिकल 370 पढ़ा था, और हम लोगों ने उसमें से तो वो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पढ़े थे। हम लोगों ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पढ़ा था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अफगान इशू, UAE Israel deal and its implications on the Muslim world, and what was the reaction of the Muslim world at that time, and the UAE Israel deal has some kind of implication on Pakistan too. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तान के रिलेटेड, या इस्लामियात में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, UAE Israel deal का मुस्लिम उम्मा पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये आपके क्वेश्चन या आपका करंट अफेयर में अगर आ गया तो करंट अफेयर में आ जाएगा, पाकिस्तान में भी आ सकता है, आपका मे भी आईआर में भी आ जाए जिनका आईआर ऑप्शनल है, और इस्लामियात में भी प्रोबेबली आ सकता है। और फिर अगर उसमें इस्लामियात के पर्सपेक्टिव में नहीं आया लेकिन इम्प्लीकेशन पाकिस्तान आ सकता है, ठीक है। और न्यू मैप, पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान, उसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं और उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और उसकी क्या इन द फ्यूचर उसका इम्प्लीकेशन होगा। सिंगल नेशनल करिकुलम आज का डिबेट हो रहा है, चल रहा है, इस पे पूरी पॉलिसी बन गई है फेडरल गवर्नमेंट की सिंगल नेशनल करिकुलम के। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके की फीचर्स क्या हैं, और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आज हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम लोग। सो टू स्टार्ट विद द अफगान इशू। देखें, अफगान इशू सिंस 1979 हैज बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिस्ट। जैसे ही सोवियत यूनियन ने अटैक किया था इस पे अफगानिस्तान पे, तो देर वर द प्रोडक्शन ऑफ जिहादीज इन सिंक विद द CIA ऑफ रशिया, सॉरी ऑफ USA, ठीक है। उसके बाद जो एक जो इन्फ्लुएंस हुआ तालिबान का, ना सिर्फ उसके अफगानिस्तान के होल रीजन पे, बल्कि ये इसका रीजन हमारे कुछ अपने ही कॉजेस पे, कश्मीर कॉज पे, और ऑफिशियली जो 1996 में जो एक तालिबान गवर्नमेंट बनी थी ना, वो जो गवर्नमेंट थी, इट हैज आल्सो सम रिपरकशंस आफ्टर द 9/11 अटैक्स। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन 1996, ठीक है। एंड ड्यू टू जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाज फोर्स टू ज्वाइन द 9/11 अफगान US वॉर ऑन टेररिज्म, ठीक है। दिस वॉर इन अफगानिस्तान हैज बीन द लॉन्गेस्ट वॉर इन द US पोलिटिकल हिस्ट्री। इट इज लॉन्गेस्ट इवन देन दी वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर तो कुछ 8-10 सालों की थी, ठीक है, लेकिन बट दिस वॉर हैज बीन प्रोलॉन्ग फॉर मोर देन 18 ईयर्स। तो इसकी रिप्रोक्यूशन ज्यादा हैं, इसके जो इट हैज नेगेटिवली हिट दी फाइनेंशियल एस्पेक्ट, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, द कल्चरल एज वेल एज दी रीजनल एंड स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ द USA, एज वेल एज ऑल ऑफ दी रीजन ऑफ साउथ एशिया एंड एंड द वर्ल्ड टू, बिकॉज ये ही आपका टेररिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड बना था जिसकी बेसिस पे US ने अटैक किया था इस पे, अलकायदा, ISIS, इट हैज ऑल्सो बिकम द हब हब ऑफ प्रोक्सी वॉरफेयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अफगानिस्तान इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे तो क्वेश्चन मुसलसल आता गया है डिफरेंट नेचर में, हमारे करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, और IR में तो पक्का क्वेश्चन आता रहता है इस पे। और इसके अलावा जब वॉर हुई थी, तो आप जब जिन जिन लोगों ने डिप्लोमेसी पढ़ा है, तो आप लोगों ने गन बोट डिप्लोमेसी पढ़ी होगी और टोमाहॉक डिप्लोमेसी पढ़ी होगी, तो उसमें डिफरेंट किस्म के इसने स्ट्रेटजीज अपनाई थी, ठीक है। इसमें जो अभी जो ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन रिजोल्यूट फ्रीडम जिसका नाम है, जो 2009 से 10 से ये जो अपने USA एग्जीक्यूट कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें अफगानिस्तान के इशू में कि पाकिस्तान का रोल क्या है, US के इंटरेस्ट क्या है, और इसी इशू में इसके अफगान लेड और अफगान ओन डायलॉग प्रोसेस कैसे पॉसिबल हो सकता है, और इसके अलावा कुछ मैंने फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल्स पढ़े थे मैंने, तो वो उनकी जितने भी उनका जो जिस्ट था वो भी मैंने इसमें स्लाइड में डाल दिया है मैंने, इंशाल्लाह ताला इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो स्टार्ट विथ, देखिए, जॉर्ज बुश ने 2002 की स्पीच में कहा था कि वी विल स्टे अंटिल द मिशन इज डन, वी विल स्टे इन अफगानिस्तान अंटिल द मिशन इज डन। तो उसमें
He also said that we will help the Afghan forces to we will help the Afghan law enforcement agencies, and we will uplift the education system of the Afghanistan. Just इसके इसी के स्मोक स्क्रीन बना के एक रिफॉर्म्स के स्मोक स्क्रीन बना के दे वांटेड टू अटैक अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद देखें, नेटो फोर्सेस ने जो इसमें अफगानिस्तान में इंटरवीन किया, इट पीक्ड मोर देन 1 लाख फोर्सेस, नेटो फोर्सेस बाय 2011। देर वर ड्रोन स्ट्राइक्स, स्पेशल ऑपरेशंस, रेड्स, डेट वीकेंड अलकायदा एंड किल्ड उसामा बिन लादेन इन माय इंसिडेंट ऑफ 2011। बट इट हैज ऑल्सो लेड टू द तालिबान्स विच स्टार्टेड टू गेन ग्राउंड। देर वॉज अ वैक्यूम डेट वॉज फिल्ड बाई द तालिबान्स। नाउ दे हैव बिकम द स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द अफगान लेड एंड अफगान ऑन डायलॉग प्रोसेस। Now there has been corrupt government. According to the report of Corruption Perception Index 2017-18, Afghanistan was the seventh most corrupt state in the world. तो अभी उसकी स्टेटस और ज्यादा बुरी हुई होगी, आप काइंडली 20 में चेक कर लीजिएगा उसकी। तो इतनी इसमें करप्शन है वहां पर, इतनी डिवीजन। वी विल डिस्कस द फाइव एस्पेक्ट्स ऑफ अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट टुडे, के इतनी डिवीजन भी उसमें आज डिस्कस करेंगे। US war in Afghanistan is it cost, according to the statistics of Foreign Affairs magazine, it cost the USA $23 billion a year. Total cost of US war in Afghanistan ranges from $800 billion. Just मैंने 800 डाला हुआ है, इसमें $800 billion आएगा, B and billion dollars to $1 trillion, according to the statistics made by the Council on Foreign Relations and the Foreign Affairs magazine. Till 2017-18, USA lost 2,403 soldiers, and more than 2,000 of the soldiers were injured. And according to the statistics, till 2018, more than 33,000 civilians were died. सिर्फ 2019 में तालिबान ने 1,100 लोगों को मारा था, एक एक साल में 1,100 लोगों को मारा था। Means the scourge of violence increased with each passing year, with each passing month. अभी इन्होंने तालिबान ने एक और तो किया है फरवरी 29 में, लेकिन 2020 में यूएसए ने तालिबान के साथ एग्रीमेंट तो किया है, लेकिन फिर भी द स्कोर जो वायलेंस हैज नेवर डिक्रीज्ड। अभी जो तक काबुल अटैक्स हुए थे, आप लोगों ने सुना हो, देखे होंगे न्यूज में, ये तालिबान का मैंने मैप दिया हुआ है, इसमें तालिबान का कंट्रोल देखें, इसमें के 19% ऑफ अफगानिस्तान इज अंडर द फुल तालिबान कंट्रोल। ये मई का स्टेटस है, नीचे मैंने दिया हुआ है, इसमें सोर्स भी दिया हुआ है, एज ऑफ मई 25, 2020। ये डिफरेंट देखें कि कितने स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल पे हैं, कुछ कंटेस्टेड हैं, कुछ अनकंफर्म्ड हैं। इस्लामिक स्टेट भी देखें, फाइव डिस्ट्रिक्ट को, अफगानिस्तान की पांच डिस्ट्रिक्ट को क्या कर रहा है, इस कंट्रोल कर रहा है, इन द प्रोवेंस ऑफ कुनाट प्रोवेंस जो है, आप नॉर्थ ईस्टर्न इसमें देखें आप, ठीक है। ये आप मैं आप शेयर कर दूंगा आपको स्लाइड, आप उसमें देख लीजिएगा। मेजर स्टेक होल्डर्स इन द पीस प्रोसेस, सबसे पहले तो इसमें अफगान खुद गवर्नमेंट है, फिर तालिबान से हैं, यूएसए द पपेट रजीम जिसने बनाया हुआ है अफगानिस्तान को, पाकिस्तान, पाकिस्तान जाहिर सी बात है इट इज द मेजर स्टेक होल्डर इन द पीस प्रोसेस ऑफ अफगानिस्तान। चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, रशिया, इंडिया एंड अदर स्टेक होल्डर्स। देयर इज आल्सो जर्मनी व्हिच इज फैसिलिटेटिंग द अफगान पीस प्रोसेस। तुर्की भी था, ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थी, मैंने आगे जाके मैं आप लोगों को मैं स्लाइड दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोसेस में पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया है। नॉट वन बट फाइव कॉन्फ्लिक्ट्स। आप एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ये फ्लॉट प्लेन इन अफगानिस्तान, ये फॉरेन अफेयर्स में आया हुआ है, ये एरोन AAARON, एरोन BO कोनेल, CONEL कोनेल ने लिखा हुआ है। ये उसी में से मैं आर्टिकल पढ़ के मैंने उसी में से ये मैंने फाइव फैक्टर्स उठाए हुए हैं मैंने। फ्लॉट प्लेन इन अफगानिस्तान, अ फ्लॉट FLAWED, अ फ्लॉट प्लेन इन अफगानिस्तान इट इज रिटन बाय एरोन BO कोनेल, AARON BO कोनेल। उसमें से मैंने आर्टिकल पढ़ा है, इसमें से मैंने फाइव कॉन्फ्लिक्ट्स उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट, देयर इज नॉट द इशू ऑफ तालिबान। आप लोगों को यही लग रहा होगा कि तालिबान का इशू है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट का इशू है, लेकिन नो, देयर आर फाइव पार्टीज टू दिस डिस्प्यूट। पांच पार्टीज हैं इसमें,
अगर आपने ये लिखेंगे इंशाल्लाह ताला आज में अपने पेपर में, यू विल गेट गुड मार्क्स इंशाल्लाह ताला, बिकॉज देयर इज नो द वन स्टेक होल्डर्स इन दिस इशू. सबसे पहले पावर स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, ठीक है. पावर देखिए, एथनिक ग्रुप्स आपके अफगानिस्तान में कौन कौन से हैं? 50% कंस्टिट्यूट्स द पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान, दे आर द पश्तूंस. 50% पश्तूंस हैं, बाकी उज्बेक्स हैं, एमक्स हैं, हजारा हैं. ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में, आप लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री या पाकिस्तान में आपने पढ़ी होगी, तो नॉर्दर्न अलायंस का वॉर था तालिबान के खिलाफ. मुला उमर जी ने जो गवर्नमेंट बनाई थी 1996 में, मुला उमर वाज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान एंड दीज तालिबान, अफगान तालिबान, दीज नॉर्थ अफगान तालिबान मीन्स दे वर सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान एंड दे फोर्ट अगेंस्ट द नॉर्दर्न अलायंस, एंड नॉर्दर्न अलायंस वॉज लेड बाय उज़्बेक्स एंड ताजिक्स. ठीक है, इस पे मूवी भी बनी हुई है. इस पे एक चार, हाँ, तीन चार सोल्जर्स थे, आए हुए थे यूएसए के. ये बिल्कुल फैक्ट है, हकीकत है ये. तीन चार या आठ सोल्जर्स आए हुए थे, स्पेशल कमांडो उसने भेजे थे यूएसए ने. जब 1979 में अटैक हुआ था ना, तो अपना इसको तालिबान को गिराने के लिए, हाँ, इसको जो 2011 में जब यूएसए अटैक करने वाला था ना, उससे पहले उसने 8-10 स्पेशल फोर्सेस भेजी थी. 8-10 लोग उन्होंने इस तालिबान गवर्नमेंट को गिराया था विद द हेल्प ऑफ नॉर्दर्न अलायंस. ये मूवी देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है. आपको मैं नाम नेम शेयर कर दूंगा मैं ढूंढ के आपको, ठीक है. तो उसमें देखें, पहला ये कंफ्लिक्ट कौन सा है कि पावर स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. पश्तूंस डेट कंस्टिट्यूट द 50% ऑफ द पॉपुलेशन वर्सेस द उज़्बेक्स, ताजिक्स, एमक्स, हजारास. ठीक है, पहला कॉन्फ्लिक्ट ये है. द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग अफगानिस्तान पश्तूंस. पश्तूंस के अंदर ही खुद एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है, जो 50% तो खुद अपनी पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं, लेकिन उनमें अंदर से ही एक अपना कॉन्फ्लिक्ट है. जैसे अपना हमारे इस्लाम में सुन्नी वर्सेस शिया है, पश्तून में दुरानी वर्सेस गिलजाई है. ठीक है, दुरानी दुरानी ट्राइब अलहदा है, गिलजाई ट्राइब अलहदा है. देखिए, 1747 में पश्तूंस ने अपने अफगानिस्तान को आजाद करवाया था डिफरेंट ग्रुप से. दुरानी वो दुरानी ट्राइब था. फ्रॉम 1747 टिल 1996 दुरानी ट्राइब इसको लीड कर रहा था अफगानिस्तान को, ठीक है. लेकिन 1996 से लेकर 2001 में कौन था? गिलजाई ट्राइब था, जिन्होंने तालिबान से कंट्रोल करके. तो जाहिर सी बात है, नॉर्दर्न अलायंस वगैरह तो ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उस दुरानी ट्राइब को दोबारा ले आए हम लोग. ये जो 2001 में, 2002 में जो इसका हामिद करजाई बना था, ये इसका प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, ही वॉज नॉट गिलजाई, ही वॉज दुरानी. दुरानी को इन्होंने तो वापस ले आए थे अब इसमें, ठीक है. तो अभी कल्चरल वॉर, लेकिन अब ये जो दुरानी वर्सेस गिलजाई ट्राइब है, दुरानी ट्राइब हैज बीन रूलिंग अफगानिस्तान सिंस 1747, 1747, 1747 से दुरानी ट्राइब अफगानिस्तान को रूल कर रहा है, ठीक है. 1747 से लेकर 1996 तक, जब तक तालिबान की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, दुरानी ट्राइब वॉज रूलिंग अफगानिस्तान, ठीक है. लेकिन तालिबान जो थे, जो देट वर सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, तो गिलजाई के हाथों अफगानिस्तान, दे रूल्ड अफगानिस्तान फ्रॉम 1996 टू 2001. बट दुरानी ट्राइब वॉज मेकिंग एवरी एफर्ट टू टेक देयर टू टेक द रीन्स ऑफ द गवर्नमेंट बैक इन देयर हैंड्स. तो ये यूएसए हेल्प्ड दिस दुरानी ट्राइब एज वेल एज द नॉर्दर्न अलायंस एंड रीइंस्टेटेड देयर पावर, एंड हामिद करजाई वॉज प्लेस्ड द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर द 9/11 अटैक. उसके बाद आपका आता है तीसरा कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल वॉर. कल्चरल वॉर, कॉस्मोपॉलिटन्स वर्सेस रिलीजियस कंजर्वेटिव्स. आप देखेंगे इसमें जो अर्बन एरियाज है अफगानिस्तान के, दे आर मोर प्रोग्रेसिव, दे आर मोर लिबरल देन दी रूरल रिलीजियस कंजर्वेटिव्स. ये जो अर्बन कॉस्मोपॉलिटन्स हैं अफगानिस्तान के, इनकी डिमांड्स कुछ डिफरेंट हैं, और जो रिलीजियस कंजर्वेटिव्स हैं उनकी डिमांड्स कुछ डिफरेंट हैं. ये जो फ्यूचर ऑफ द अफगान कॉन्फ्लिक्ट है, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि कुछ चाहते हैं सेक्शंस ऑफ द अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए, ठीक है. कुछ चाहते हैं कि नहीं, इस्लामिक स्टेट बेशक हो,
उसका नाम बेशक हो लेकिन थोड़ा सेक्युलर हो, लिबरल हो, जैसे 1979 के इन्वेजन से पहले था। ठीक है, तीसरा आता है पाकिस्तान फैक्टर। ये जो राइटर है आपको बताया मैंने अपना एरोन बी ओ'कोनेल, ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज कर रहा है वर्ल्ड लेवल पर कि पाकिस्तान हैज आल्सो प्रॉब्लम विद इंडिया, कि जो इंडिया है वो अफगानिस्तान की टेरिटरी को नेगेटिव इस्तेमाल करके, तो पाकिस्तान को इसने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना पड़ा अफगानिस्तान में। स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है कि पाकिस्तान मस्ट हैव अ कंट्रोल इन अफगानिस्तान, इट मस्ट हैव इन्फ्लुएंस अवर तालिबान सो डेट इट कैन कंट्रोल द टू प्रोंग्ड वॉर स्ट्रेटेजी ऑफ अफगानिस्तान एंड फ्रॉम इट्स ओन लैंड। स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है पाकिस्तान की पॉलिसी है। ठीक है, ये आफ्टर 9/11 अटैक्स जब यूएस टिल्ट विद इंडिया जब ज्यादा हो गया, और देखें अफगानिस्तान पहला स्टेट था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ठीक है, और शुरू से जो आपके जो इसमें अफगानिस्तान के जो जो इसमें पॉलिटिक्स है, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मोरली पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि दोनों इनका इश्यू है पाकिस्तान के साथ उनका। दूसरी बात यह है कि फिर उनका इंडिया के साथ टिल्ट ज्यादा है। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि पार्लियामेंट भी इंडिया ने बना के दिया इनको, तो 9/11 के अटैक्स के बाद ये इनका टिल्ट इंडिया के साथ बढ़ गया। आपके इसमें यूएसए, इसमें अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ऑफिसर्स हैं, जो इनकी एम्बेसीज हैं, उनके उधर भी ये इनके एजेंट्स बैठे हुए हैं, इनके ये लोग बैठे हुए हैं, इंडिया के बैठे हुए हैं। सो दे एक्टिवली प्रोमोट वायलेंस इन पाकिस्तान बाय सपोर्टिंग अफगान तालिबान एज वेल एज इट इज यूजिंग दी BLA टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान ने रिएक्शन में क्या किया, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाया। स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये था, इसका मतलब पॉलिसी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान मस्ट हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर सम सेक्शंस ऑफ अफगानिस्तान सो दैट इट कैन कंट्रोल द टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया एज वेल एज द अफगान्स। अगर वो किसी अटैक करना करना चाहें तो कुछ हमारे भी स्टेक होल्डर्स हों अफगानिस्तान में, जैसे तालिबान से, जिसकी वजह से हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हिकमत यार ग्रुप जो है, ठीक है, मुल्ला उमर का जो ग्रुप है, डिफरेंट जो है इसमें, कि हम वी हैव अ ग्रेट डील ऑफ स्वे, इट वॉज ट्रम्प हु रोट लेटर टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। बिकॉज पाकिस्तान हैज स्ट्रेटेजिक डेप्थ देयर, पाकिस्तान हैज इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन दिस इश्यू। ठीक है, यूएस इंटरेस्ट, आप सब लोगों को पता है कि जब 2001 के बाद के 9/11 अटैक्स के बाद यूएसए के इंटरेस्ट तो अपने थे, अलकायदा को वन ऑफ द मेजर इनका इंटरेस्ट ये था कि हम अलकायदा को खत्म कर दें, लेकिन उनका अलकायदा को उन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया, खत्म कर दिया उन्होंने, उसामा बिन लादन को उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब देखिए अलकायदा का, आपको मैंने टेस्ट आपको मैप दिखाया, बिल्कुल कम हो गए जो, क्योंकि अभी तालिबान खुद ही है। ठीक है, तालिबान ने खुद ही इनको भगाया हुआ है। नाउ दे आर द मेजर स्टेक होल्डर्स, तालिबान एंड अदर इतनी ग्रुप्स। तो यूएसए के कुछ अपने, इसके अलावा अलकायदा को और टेररिज्म को जस्ट मेकिंग द स्मोक स्क्रीन ऑफ क्लियरिंग द टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनके कुछ अपने भी इंटरेस्ट हैं। मुनीर अकरम ने डिस्कस किए हुए हैं, वो हम आपको आगे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अमेरिकन इंटरेस्ट, सबसे पहले अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, मुनीर अकरम ने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि टू प्रोप अप इट्स पपेट रिजीम। जाहिर सी बात है हर कंट्री में उसके यूएसए के इंटरेस्ट हैं, अपना जिस जितना उसका पपेट रिजीम होगा उसको अपनी पॉलिसीज, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज राइवल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट पावर्स। देखिए आपको मैंने आपको जब मेजर स्टेक होल्डर्स की लिस्ट में दिखाई मैंने, उसमें कौन कौन से राइवल पावर्स हैं, चाइना, रशिया और आपका इसमें ईरान, ठीक है, पाकिस्तान भी है इसमें, ठीक है, ये और इंडिया, ये सारे के सारे राइवल पावर्स हैं। जस्ट इट हैज द फुट होल्ड इन अफगानिस्तान टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, रशिया एज वेल एज ईरान, इन पे इन्होंने मतलब जस्ट सर्विलियंस रखा हुआ है इसमें। ठीक है, अभी आप लोगों को ये जो अपना बेका एग्रीमेंट हुआ है अक्टूबर 27, 2020 में, तो ये इस लैंड को भी वो लोग इस्तेमाल करके अपनी सेटेलाइट डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, टू डिसरप्ट सीपेक,
आज जब सीपेक हम लोग साइन कर रहे थे, जब अब हमारा प्रॉपरली हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था सीपेक, तो इट वाज द यूएसए व्हिच प्रोटेस्टेड. अच्छा, व्हिच प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ सीपेक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान. वो कह रहे थे इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन इट इट हैज अ फुट होल्ड इन अफगानिस्तान टू डिसरप्ट द सीपेक प्रोजेक्ट इन अलायंस विद इंडिया, इंडिया से मिलके. जब 2018 में इसने पॉलिसी दी थी ट्रंप ने, ही अप्रिशिएटेड द रोल ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान. उसने कहा था कि वी अप्रिशिएट द रोल ऑफ अफगानिस्तान इन नेशनल बिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान. पाकिस्तान को उसने इग्नोर किया था उसमें पॉलिसी में, ट्रंप ने पॉलिसी, साउथ एशिया पॉलिसी जब ट्रंप ने दी थी 17-18 वाले. सिविल रेस्ट्रेंट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है, आपको लोगों को मैंने कल स्ट्रेटेजी बताई थी यूएसए की, जब भी इसको कुछ अपना काम करना पड़ता है तो या तो इंडिया के साथ अलायंस करता है या अफगानिस्तान के थ्रू वो अपना अपनी बात मनवा लेता है. लेकिन पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसराइल चाहता है कि ये इसको हम लोग खत्म कर दें, इसको हम लोग ब्लैक लिस्ट में डालें, कि इसकी जो अपना सिंगल मुस्लिम वर्ल्ड है, आपकी सिंगल मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, अमंग द 57 इस्लामिक कंट्रीज सिंगल मुस्लिम है. तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि लेकिन सिंगल मुस्लिम की मैं बात ये नहीं है कि मैं आपको हसन अस्करी रिजवी जैसे उसने कहा हुआ है उसमें स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान में उसने लिखा हुआ है कि दिस डज नॉट मीन कि पाकिस्तान हैज एन इस्लामिक बम, ये बात नहीं है. कि मसला ये है कि इसराइल नहीं चाहता कि एक ग्रेट पावर हो साउथ एशिया में अदर देन इंडिया. तो जब भी आपने देखा होगा, जब भी वॉर होती है तो इंडिया के खिलाफ हमारी, तो इसराइल उसको सपोर्ट करता है. अभी जो जो अपना जो रिसेंट इसका फल हुआ था, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, तो उसमें अपने इसराइल की टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की थी इंडिया ने, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है यूएसए, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को, पाकिस्तान की जो ग्रोविंग एसिडेंसी है उसको रोकने के लिए फुट होल्ड है इसका अफगानिस्तान में, इसके इंटरेस्ट जो है, ठीक है. रिवर्स ईरान से एसिडेंसी ट्रंप पहले ही था, और यूएसए शुरू से ही रहा इस पर ईरान पे, क्योंकि थियोक्रेटिक स्टेट, जब से 1979 में ईरान रेवोल्यूशन आया है इनके सेक्शंस बढ़ती गई, इन्होंने उसको, उनकी भी कुछ गलतियां हैं ईरान की, उन्होंने उसको हाईजेक किया हुआ था पूरी एम्बेसी को 1979 में, उसकी वजह से अभी तक उनकी सेंक्शंस लगी हुई हैं. लेकिन ओबामा ने जेसीपीओए उस दे दिया था, ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एक्शन 2015 में जेसीपीओए उसने दिया था. लेकिन फिर जैसे ट्रंप आया उसने उसको रिवर्स कर दिया, और अभी जो इसमें यूएसए की जो स्ट्रेटेजी है उसको जितना भी ईरान का इन्फ्लुएंस है, ना सिर्फ आपको पता होगा ये जो आपका जो सदर्न आप देखेंगे ना, जो मैप देखेंगे इसमें ईरान के साथ अफगानिस्तान का, तो वहाँ उसका ईरान का बहुत बड़ा फुट होल्ड है. वहाँ तालिबान को भी सपोर्ट करता है ईरान वहाँ पर साउथ में, अफगानिस्तान के साउथ में, ठीक है. और ऑयल भी यही प्रोवाइड करता है उनको, ठीक है. अगर आप फॉरेन अफेयर्स मैगजीन पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है. उसके बाद ईरान का इन्फ्लुएंस ना सिर्फ इधर हमारे रीजन में है, बल्कि यूएसए कहाँ कहाँ लड़ रहा है, साउथ सीरिया में हिजबुल्ला, हमास, इसराइल का भी ये है कि अफगानिस्तान में प्रेजेंस हो इसकी यूएसए की, ताकि अच्छा फैज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ईरान की एसेडेंसी है, वो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है, साउथ एशिया में बहुत ज्यादा है, अफगानिस्तान में उसका, अब तालिबान के साथ सपोर्ट करता है, सदर्न रीजन जो अफगानिस्तान है उसमें उनको ऑयल भी प्रोवाइड करता है, उनको मोरल फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है. सो अब ईरान इज वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स इन इन अफगानिस्तान इश्यू. उसके अलावा सीरिया में भी अपने लोग इसने लोगों को सपोर्ट करता है, सीरिया में असद को सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, हमास ग्रुप को सपोर्ट करता है, कुछ फलस्तीन में जो अपने हमास ग्रुप है उसको सपोर्ट करता है. तो इसराइल चाहता है कि ईरान की जो एसेंडेंसी बढ़ता पावर है उसको कैसे रोकें, जब तक ये अमेरिका प्रेजेंट होगा अफगानिस्तान में, इट विल रिवर्स ईरान एसेंडेंसी. समझ में आया आप लोगों को? फिर आगे चलते हैं हम लोग डिफरेंट फोरम्स. अब आता है पाकिस्तान की बात, डिफरेंट फोरम्स फॉर पाकिस्तान टू ब्रिंग पीस इन अफगानिस्तान. ये कुछ पाकिस्तान ने ये मॉस्को प्लान, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, ट्रायलेटरल डायलॉग, हर्ट ऑफ एशिया, इस्तांबुल, ठीक है, ये जस्ट मैंने हिंट दिया हुआ इसका कि पाकिस्तान इतनी बड़ी कोशिश की कि फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स, 2011 से लेकर पाकिस्तान तुर्की से मिला के इन्होंने कोशिश की कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर से
डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो अफगानिस्तान में हैं, तालिबान से, अफगान गवर्नमेंट है, चाइना है, रशिया है, यूएसए है, उनको एक सेम टेबल पे ले आए। ये जो अभी जो आप लोग जो फरवरी 29 का एग्रीमेंट हुआ था, इट हैज बैकड्रॉप ऑफ दीज फोरम्स। ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, एकदम से किसी आप दोनों दुश्मन को एक टेबल पे नहीं लेके आते। सो अभी इन्होंने माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान के जो एफर्ट था वो अप्रिशिएट किया था, अभी उसने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के एफर्ट को। इवन जर्मनी ने भी अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान के एफर्ट को इस अफगान पीस प्रोसेस में। ठीक है, अब आते हैं करंट नेगोशिएशन। ऑन डिसंबर 3, 2018 ट्रंप रोट अ लेटर टू मिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, के हमें आप जो नेगोशिएशन है इसके अपना अब तालिबान के साथ हमारी नेगोशिएशन आप स्टार्ट कराएं। तो तालिबान उसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने अपना नेगोशिएशन स्टार्ट करवा दी थी। सो क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, क्योंकि इनिशियल देखें ये दिसंबर 3 की बात नहीं है, उसके पहले मैं आप लोगों को ये इतनी मैंने लिस्ट दी, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, मरी डायलॉग, ये आपका इसमें मॉस्को डायलॉग, सारे का सारा पाकिस्तान इनिशिएट करवाए हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो दी मेजर स्टेक होल्डर इसमें। इसमें जो इनिशिएट हैं कुछ डिफरेंट पावर्स भी हैं इसमें, यूएसए भी है इसमें, रशिया भी है, बट पाकिस्तान इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन दिस इशू। ठीक है, उसके बाद इट वॉज पोम्पियो ने क्या कहा कि टाइम फॉर पीस इज अराइव्ड। जैसे ही आपकी जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, पोम्पियो ने कहा, माइक पोम्पियो दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए, इसने कहा द टाइम फॉर पीस इन अफगानिस्तान इज अराइव्ड। ठीक है, ऑन फेब्रुअरी 29 आफ्टर कंटिन्यूस ये अपना अपना जो ट्रंप ने लेटर लिखा, और फिर देखें 19 पूरा 1.5 साल जो नेगोशिएशन चलती रही। आप दोहा में देखते होंगे, कभी तालिबान दोहा में है, कभी व्हाइट हाउस में है, कभी कहाँ है, ये कंटिन्यूस नेगोशिएशन चल चल के ना फेब्रुअरी 29, 2020 को जाके डील हुई कि सीज फायर करो तालिबान के साथ। उन्होंने डील की, यूएस ने डील की फॉर फरवरी 29, 2020 में कि हम लोग जो आप बात मान रहे हो हम अपने ट्रूप्स विदड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि जो हमारे उस वक्त जिस वक्त ट्रीट हुई थी, इट अपना साइन हुआ था, उस वक्त 13,000 फोर्सेस थी, उसको कम करके फिर 8,600 जून में बनी, अभी जो जून अभी गुजरा है, अभी 2-3 महीने पहले। फिर अभी उसने ट्रंप ने ये जो उसमें एग्रीमेंट में लिखा था कि बाय नवंबर 2020 4,000 मजीद जो होंगे हम अपने फोर्सेस को कम करेंगे, तो 8,600 में से 4,000 गए तो कितने बचे 4,600, एंड दे विल बी कंप्लीट कंप्लीट विथड्रॉवल इन मई 2021 फ्रॉम द अफगान सॉइल। ये उन्होंने फुल श्योरिटी दी है, चाहे गवर्नमेंट चेंज भी हुई लेकिन हम उसको कंप्लीटली विदड्रॉ करेंगे। और 5 बेसिस जो थे वो भी उन्होंने बंद कर दिए, अभी 5 बेसिस जो अफगानिस्तान में थे वो भी उन्होंने कंप्लीटली क्लोज डाउन कर दिए उन्होंने, अकॉर्डिंग एज पर द डील ऑफ फेब्रुअरी 29, 2020। अच्छा, दूसरी डिमांड क्या थी इसकी तालिबान की, कि रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। ये रिलीज उसी मतलब कुछ ही महीनों में 4,600 जो थे ना इसके 4,400 प्रिजनर्स उन्होंने रिलीज कर दिए। फिर 600 प्रिजनर्स का थोड़ा सा वो था इशू था, वो भी रिजोल्व कर लिया। फिर एंड में 160 प्रिजनर्स थे जो अफगान गवर्नमेंट उनको रिलीज नहीं करना चाह रही थी, जिसकी वजह से ये जो अपना अफगान तालिबान ऑफेंसिव चलता जा रहा था। फिर भी वो यूएसए ने जो इतने वो लोग थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल उन लोगों ने मारे थे, जो 160 हार्डन क्रिमिनल थे, उन्होंने भी वो भी छुड़वा ली तालिबान ने। ठीक है, उन्होंने काउंटर टेररिज्म गारंटीज भी दी थी कि हम लोग दहशतगर्दी नहीं फैलाएंगे अफगानिस्तान में। ठीक है, प्रॉमिस टू ओपन टॉक्स विद अफगान गवर्नमेंट। अफगान गवर्नमेंट को ये कह रहे थे कि इट इज नॉट पार्टी टू द डिस्प्यूट, हम अफगान गवर्नमेंट को नहीं मानते, ये इस डायलॉग में नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन फेब्रुअरी 29, 2020 डेट दे एग्रीड टू ओपन टॉक्स विद द अफगान गवर्नमेंट। उसके बाद जो जो बातें नहीं मान रहा था अफगान गवर्नमेंट या यूएसए, ये अपना ऑफेंसिव चलाते जा रहे थे। अभी जो काबुल में अटैक हुआ, काफी बच्चे मर गए, मदरसा में इन्होंने अटैक किया, डिफरेंट अटैक्स करते रहे कि अपनी बातों को मनवाने के लिए। अच्छा, अभी नेगोशिएशन जो चल रही है, कौन कौन किसको लीड कर रहा है, जो यूएस टीम है ना, यूएस टीम है उसमें जलमे खलीलजाद, ही इज द चीफ नेगोशिएटर फ्रॉम द यूएसए। ये डिफरेंट पार्टीज को सेम पेज पे लाने के लिए बड़ी इसने कोशिश की है। पाकिस्तान ये जो आपको आप लोग आईआर पढ़ेंगे
तो इसमें होता है शटल डिप्लोमेसी। शटल डिप्लोमेसी वो होती है कि अपना डिफरेंट, जब एक जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डिफरेंट जब कैपिटल विजिट करके डिफरेंट पार्टीज को सेम पेज पे लाने के लिए कोशिश करता है, इसको कहते हैं शटल डिप्लोमेसी। हेनरी किसिंजर ने भी शटल डिप्लोमेसी स्टार्ट की थी जब इसराइल वॉर हुई थी, तो उसने डिफरेंट पार्टीज को मिडिल ईस्ट में आके सेम पेज पे लाने की कोशिश की। सेम इज द केस विद जलमे खलीलजाद, माइक पोम्पियो, ही इज ऑल्सो दी नेगोशिएटर ऑन पार्ट ऑफ द यूएसए, वन ऑफ द कॉन्फिडेंट ऑफ मिस्टर ट्रंप। ठीक है, अफगान टीम, अफगान जो टीम है, जो अफगान तालिब, जो खुद ही पूरी टीम है, जो डिफरेंट सेशंस हैं इनके, डिफरेंट एथनिसिटीज हैं, इट इज लेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अफगानिस्तान अब्दुल्ला अब्दुल्ला। ठीक है, ये उज्बेक है, ये आपको पता होगा, ये जो जो अपना वो पश्तून है, अपना जो हमारा इसका प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान का, अशरफ कौन है, अशरफ गनी। अशरफ गनी जो है हमारा, वो आपका पश्तून है और ये उज्बेक है। यहाँ आपको थोड़ा सा ना एथनिक एथनिक डाइवर्जन आपको नजर आ गई होगी आप लोगों को, कि ये इतना बड़ा एथनिक इशू है इनका। ठीक है, द तालिबान टीम इज हेडेड बाय अब्दुल हकीम हकानी। ये अपने जो 21 मेंबर की कोई टीम थी शुरू में, तो उनको ये लीड कर रहा है। ये ही वॉज द चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो रिलीजियस स्कॉलर का जो हेड करता है इनका, एन इंट्रा डायलॉग एंड सीज फायर। अब क्या है कि इन्होंने क्या क्या किया, इनिशिएट किया है कि इंट्रा डायलॉग, आपस में जितनी डिफरेंट एथनिसिटीज हैं, इथनिक डिविजन्स हैं और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में, अफगान लेड अफगान ऑन डायलॉग प्रोसेस हो जाए, स्टार्ट हो जाए और सीज फायर, जितने भी वायलेंस है उसको खत्म करके एक टेबल पे बैठ जाए। की चैलेंजेस, अब चैलेंजेस क्या है इसका अफगानिस्तान इशू में, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट अरेंजमेंट, कि भाई जो आपके तालिबान हैं दे कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि पश्तूंस में सिर्फ दुरानी और गुलजाई का भी इशू है उनको। ठीक है, बट दे हैव नाउ टुगेदर आर दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द यूएस फोर्सेस, लेकिन उनका अपना भी इशू है, उज्बेक्स का अपना इशू है जो नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे थे। ठीक है, उज्बेक्स का एमक्स, उज्बेक्स हजारा डिफरेंट जो इतनी उसमें, जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो फ्यूचर गवर्नमेंट होगी होगी, किसको कितना पावर पावर दिया जाएगा। आप लोग अगर नेल्सन मंडेला की बुक पढ़ चुके हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनमें भी बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि व्हाइट माइनॉरिटी पूरे साउथ अफ्रीका को लीड कर रही थी। इनको जब 27 ईयर्स के बाद जब नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया था, तो नेल्सन मंडेला ने बाकायदा पीसफुली एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बनाई थी, उनको व्हाइट व्हाइट लोगों को 8-10 सालों के लिए, उनको जैसे उनको पावर थी वैसे उनको दी थी, आहिस्ता 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 उनको डिक्रीज करके वो उन्होंने कसीर ने कम कम कर दी थी, कि वो यहाँ से भी सीख सकते हैं सोल्यूशन में, आप उसका भी सोल्यूशन दे सकते हो। यू आर फ्री टू गिव एनी केस स्टडी, जैसे आपको अलास्का फंड कल बताया था आप लोगों को मैंने, अलास्का फंड बताया था आप लोगों को मैंने, नहीं बताया था आप लोगों को अलास्का, मैं अलास्का फंड 10% जो फंड था जो मिलता मैं आपको दिया था, ये आप केस स्टडी आप लोग दे सकते हो, कि जब जब आपकी पावर शेयरिंग की बात हो, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो, जैसे अलास्का में 10% फंड उनको दिया जाता है, जितने उनके मिनरल रिसोर्सेज जो हैं उनको मिलती हैं, तो वो 10% फंड उनको जाता है। बलोचिस्तान को भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं। हम अब अभी अफगानिस्तान का इशू डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको नेल्सन मंडेला का, मैंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये इसकी बुक जो है, मैं इसका बहुत इंटरेस्टिंग किताब है ये, जो मैंने इंटरव्यू में मैंने मैंने फेवरेट फेवरेट बुक रखी थी, मैंने दो बुक्स रखी थी, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीम्स और सीएसएस के इंटरव्यू में, और मैंने दूसरी रखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अच्छा जी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, आपको बताया मैंने कि सिर्फ इसमें आपके मुस्लिम्स नहीं हैं, आपके डिफरेंट भी आपके वो हैं अपना, उसमें आपके क्रिश्चियंस भी हैं, आपके आपके सिख भी होंगे, ठीक है, और आपके इसमें आपके हिंदूस तो नहीं, मैं भी नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन आपके जो अपना पख्तून सोनली आर तालिबान, नहीं, फाइस जो तालिबान हैं आपके पश्तून तो हैं, पश्तून में दो ट्राइब्स हैं अंदर, दुरानी एंड गिलजाई। ठीक है, और इसमें देखें कि आपका इसमें डिफरेंट सेक्शन के का उनका फंडामेंटल राइट्स इनके इंश्योर होंगे, क्या रिलीजियस फ्रीडम होगी, फ्यूचर जब सोल्यूशन जब हो जाएगा, जिसके हाथ में पावर आएगा। ठीक है, हाउ टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ वुमेन, देखें तालिबान गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स ऑफ वायलेंस जो बर्दाश्त किया था वो वुमेन ने किया था,
ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस होगी, क्या डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो होंगे साथ बैठेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज जो आपको मैं शुरू में बताया कि मैंने कि आपके जो इसमें क्रिश्चियंस हैं, डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज हैं, इवन शिया हैं, तो उनको क्या आपने उनके उनका सेफगार्ड होगा, इथनिक चैलेंजेस, इथनिक चैलेंजेस जो जितने भी इथनिक चैलेंजेस हैं, क्या वो सेम उनको पावर मिलेगी, पावर शेयरिंग जब अरेंजमेंट होगी सबको अपनी इक्वल पावर मिलेगी, ये दीज आर सम ऑफ द की चैलेंजेस व्हिच रिक्वायर सॉल्यूशन व्हाइल दे आर लीडिंग द अफगान लेड एंड अफगान ओन डायलॉग प्रोसेस, मोर चैलेंजेस टू नेगोशिएशन, सेटलमेंट विल नॉट बी ड्यूरेबल अनलेस सपोर्टेड बाय रीजनल पावर्स। ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो इसमें ये बिल्कुल सही लिखा हुआ था कि जब तक जो इसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, ईरान, ईरान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सदर्न अफगानिस्तान में, कि अगर 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 वो चाहेगा कि ईरान के ऊपर सेंक्शन डालें तो वो अपने तालिबान को इन्फ्लुएंस करेगा, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा तालिबान को स्पॉयल करने की कोशिश करेंगे। सो इट मस्ट, यूएसए मस्ट डील प्रॉपरली विथ ईरान, ठीक है, और फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी अपने इंटरेस्ट हैं, आगे मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इसमें आगे स्लाइड में मैंने रखे हुए हैं पाकिस्तान के कौन से इंटरेस्ट हैं। अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ में आप लोगों को बताया कि डिफरेंट जो उसमें प्रॉक्सी वॉरफेयर खेल रहा है इंडिया, उसके भी अपने इंटरेस्ट हैं, जब तक वो उनको इंश्योरिटी नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान ये भी चाहता है कि तालिबान को अपना ड्यू राइट मिले, ठीक है, और न्यू दिल्ली ने हर मुमकिन कोशिश की है कि जो ये नेगोशिएशन हो रही है ना, डिफरेंट जो मल्टीलेटरल डायलॉग्स जो हुए थे उनको स्पॉइल किया जाए, कोशिश बात काफी कोशिश इसने की है कि इसको स्पॉइल करें इसको, क्योंकि इन द एंड पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होगा उसमें, अफगानिस्तान में ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उधर हो और फिर मैं वहां से मुझे भगाया जाए इंडिया से, डिफरेंट जो उसके में बैठा हुआ है वहां पर एजेंसीज में, डिविडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन कौन से इसमें फायदे हैं इसमें नेगोशिएशन में। सबसे पहले कुछ मुनीर अकरम की भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें भी मैंने पढ़े थे, कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े थे मैंने, तो इसमें ये मैंने जस्ट इसको उनको सम अप किया है कि जो यूएस जो पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है ना, जो हॉस्टिलिटी करता है, कभी कभी अपनी फॉरेन पॉलिसी देता है कि दे अप्रिशिएट द रोल ऑफ अफगानिस्तान उसका इंडिया का, कभी अफगानिस्तान के थ्रू अपना जो कहते हैं हकानी नेटवर्क जो है उसको खत्म करो, उसको तबाह करो, हम ड्रोन हमला करेंगे, ये करेंगे, तो सारे का सारा जो हॉस्टिलिटी होगी, प्रेशर होगा, सारा खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, स्टॉप द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट इन अफगानिस्तान। आपका देखें जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था, मेहरान बेस पर अटैक हुआ था, और अभी आपका जो स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक हुआ था, ये सारे के सारे कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ये अफगानिस्तान की लैंड से इनिशिएट हो रहे हैं वहां से, ठीक है, तो ये सारी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपकी खत्म हो जाएगी इसमें। और मैंने एंड में लिखा हुआ है मॉनिटरिंग बॉर्डर फेंसिंग, इसी जब क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट खत्म होगी तो हम जो हम बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं वो भी हमारे हमारे लिए आसान हो जाएगी, हम जो दहशतगर्दी का जो इंसिडेंस है, फ्रिक्वेंसी है, वो भी कम हो जाएगी। अफगान रिफ्यूजीज वो क्राइम काफी कर रहे हैं, हम हमारे पास जो क्लाशनिकोव कल्चर है पाकिस्तान में, वो सारे के सारे जो अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको हम लोग रिपैट्रिएट करेंगे, ये पाकिस्तान के सोशल और इकोनॉमिक जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। ये इंडिया की टू फोल्ड स्ट्रेटेजी जो है, इंडिया क्या कर रहा है, और एक तो अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरा बीएलए को सपोर्ट कर रहा है। दीज काइंड ऑफ टू फोल्ड स्ट्रेटेजी अगेंस्ट पाकिस्तान विल बी एंडेड थ्रू दीज नेगोशिएशन, ठीक है, पीस इन अफगानिस्तान इज पाइवोटल फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन सीपेक, सीपेक जो हमारा है पहला अपना प्रोजेक्ट है, हम कभी भी कोशिश नहीं करेंगे अपॉन दिस इशू, मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट आर ऑन द सेम पेज, ठीक है, तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो हमें फायदा मिला है सीपेक से हम उसको डिस्ट्रॉय करें, तो सो वी डियरली वॉन्ट पीस इन अफगानिस्तान, क्योंकि इसके अलावा सीपेक के अलावा आपको पता है पाकिस्तान कितना फायदा होने वाला है, टेपी जो है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो है, और जो हमारा इसमें वो है आपका ईरान पाकिस्तान पीस जो पाइपलाइन है वो वाला है, कासा प्रोजेक्ट जो है, CASA, ये सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, क्योंकि सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है तालिबान ये अफगानिस्तान से गुजर रहा है, जब तक वहां पीस नहीं होगा दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट विल नॉट हैपन, पॉसिबल सोल्यूशन टू अफगान प्रॉब्लम। ये मैंने जितनी भी सीएसएस की तैयारी की है सब के सब सोल्यूशन इसमें डाले हुए हैं, ठीक है, अफगान लेड इन अफगान ऑन डायलॉग प्रोसेस। सबसे पहले कि जो अफगान में डिफरेंट जो एथनिसिटीज हैं, डिफरेंट जो उसमें मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंट्रा अफगान डायलॉग है, सब सारे सबको साथ लेके चलें, सबसे पहली बात ये है।
ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जो जितनी करप्शन ये इसके जो एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल लेवल पर, डिफरेंट अपने जो मेजर जिनके पास अथॉरिटी है, जो सेवंथ मोस्ट करप्ट कंट्री आपको बताया मैंने अकाउंट जो सीपीआई, तो वो उनको अकाउंटेबिलिटी इनिशिएट की जाए उनके खिलाफ, ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक रिजर्वेशन है फिर वो कम हो जाएगी। फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन जब होंगे पता चल जाएगा कि किसकी पावर कितनी है, ठीक है। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जब इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इंटरिम गवर्नमेंट रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज हो सबको पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए। आपको इसमें केस स्टडी आप लोग इसकी साउथ अफ्रीका की दीजिएगा, इसमें उन्होंने किस तरह से डिफरेंट जो थे उनके, सिर्फ उनके पास नेल्सन मंडेला की वो ट्राइब नहीं था, डिफरेंट ट्राइब्स हैं वहां पर भी जिन्होंने आपस में शेयरिंग की थी आपस में, ठीक है। वो है उन्होंने फिर व्हाइट में जो सुपर जो जो अपार्टाइड सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था उनको भी उन्होंने पावर दिया था उसमें, सर उनको पूरा के पूरा उन्होंने क्लियर नहीं किया था। तो वो आपको केस स्टडी, बहुत अच्छी स्टडी आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। पश्तूस मस्ट बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये अपना तालिबान यूएसए शुरू में ये कह रहा था इसके फरवरी 29 के एग्रीमेंट से पहले कि दे आर नॉट द पार्टी पार्टी टू द डिस्प्यूट, तालिबान पार्टी टू द डिस्प्यूट नहीं है, दे आर टेररिस्ट, पोलिटिकल फोर्स उनको नहीं मान रहे थे। भाई टेररिस्ट कैसे हैं वो? वो वहां के रहायश के लोग हैं वहां के, वो पावर चाह रहे हैं, शुरू में उनकी गवर्नमेंट थी, तो उनको अगर आप टेररिस्ट कहोगे तो दे विल स्टार्ट देयर तालिबान ऑफेंसिव, ठीक है। एंड देन पार्टनर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू जैसे अभी जो डायलॉग चल रहा है कि विदाउट पार्टनरशिप विद पाकिस्तान दिस डायलॉग कैन नॉट सर्वाइव, दिस डायलॉग कैन नॉट बी एंडेड विद पीसफुली, यूएन पीस इन्फोर्समेंट। अच्छा, जब इलेक्शन हो, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज हो, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, केस स्टडी ऑफ ये है आपका नेल्सन मंडेला का मैंने दिया था एग्जांपल, जब इन्होंने आईन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1992 में बनाया था इन्होंने, तो उसमें डिफरेंट जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की थी थोड़ा उसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा उनका, या मैं मेरे पास देखता हूँ अगर बुक पड़ी हुई तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, देख लेता हूँ मैं, वो लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम मेरे पास बुक थी, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी केस स्टडी है, ठीक है, वो आप इसमें डाल सकते हो। मैं अभी आते हैं यूएन पीस इन्फोर्समेंट इस पे, कि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, जब इलेक्शन हो, जाहिर सी बात है वायलेंस होगी, ठीक है, वायलेंस इलेक्शन में यहाँ पे होती है हमारी, लेकिन बिल्कुल कम लेवल पे होती है, वो तो भाई एक सिविल वॉर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है अफगानिस्तान। तो जब जब इलेक्शन रिगिंग होगी, हर पार्टी चाहेगी कि मेरा मेरी गवर्नमेंट पावर में आए, हम मैं अफगानिस्तान को रूल करूं, दैट्स व्हाई देयर इज द नीड ऑफ 50,000 पीस इन्फोर्समेंट सोल्जर्स ऑन पार्ट ऑफ यूएन दैट विल मॉनिटर एंड दैट विल न्यूट्रलाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द पार्टीज, कि पीस इन्फोर्समेंट जो हो जो इनको न्यूट्रलाइज करें एक पर्सन सोल्जर्स की, क्योंकि ये तो वैसे विदड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इन द एंड जैसे इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है फरवरी 29, 2020 में के इन द मई ऑफ 2021 कि देर विल बी कंप्लीट विदड्रॉवल ऑफ नेटो फोर्सेस, लेकिन इसमें यह है कि बिफोर द कंप्लीट विदड्रॉवल ऑफ नेटो फोर्सेस ऑल एक्शंस मस्ट बी डन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ऐसा नहीं हो, आप ये भी दे सकते हो कि जैसे कश्मीर को बिना जोर करके माउंटबेटन भाग गया था, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्विक विदड्रॉवल नहीं होना चाहिए। एंड में आप ये भी स्कोर आप क्रिटिकल एनालिसिस में दीजिएगा कि बस तालिबान चाह रहे हैं कि ये उठे उठे, लेकिन ऐसे नहीं होगा, बिकॉज दे कंस्टिट्यूट 20-25% ऑफ द पॉपुलेशन, सो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे विल बिकम अगेन द हब ऑफ सिविल वॉर, के अपनी प्रेसेंस में ही जल्दबाजी ना करे, अपनी प्रेसेंस में ही उसको एब्जॉर्ब करके बात नहीं जाए, ये वैसा केस ना बने ना माउंट बेटन का। आप जितनी केस स्टडीज दोगे, जितने आप कोटेशंस दोगे, यू विल गेट, आई अश्योर यू, यू विल गेट मोर देन 80 मार्क्स, गुड मार्क्स इन योर करंट अफेयर्स, इवन मे बेट इट बी पाकिस्तान अफेयर्स और IR और पोलिटिकल साइंस, ठीक है, ये हमारा इशू हो गया। Till I get up, time is barely on our side.